हेलो फ्यूचर डॉक्टर संभाजी लवर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन सेलुलर लेवल व्हिच इज गिवन एज फर्मेंटेशन इन एनसीईआरटी। गाइस, ये प्लांट रेस्पिरेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, मगर यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो आएगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड आर प्रोड्यूस इन ऑन द सेलुलर लेवल। यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा नीट में आते हैं, तो इसी को हम आज कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, आई वेलकम टू डॉक्टर खान बायोलॉजी अगेन। गाइस, हियर वी डिस्कस एजुकेशन कैरियर एंड बियॉन्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेफा केशॉफ स्कीम। ये गाइस स्कीम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से इस पर्टिकुलर माइंड मैप से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे हमारा बेसिक सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज मान के हम चलते हैं। हालांकि इस ग्लूकोज का जब 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 इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्रेकडाउन सेल साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनके तैयार होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। गाइस, याद रखो, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहीं पे भी नहीं होने वाला है। तो अगर ऑक्सीजन के बिना किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाए तो इसको हम एनारोबिक के अंडर रख सकते हैं। गाइस, याद रखना, ये साइटोप्लाज्म में जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बन रहा है। अब कोई ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन की कंडीशन में है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो एरोबिक कंडीशन कहलाएगी। और याद रखो, एरोबिक कंडीशन के समय ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कंप्लीट कम्बशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड करेगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। वहीं पे गाइस, इसी प्रोसेस को हम कह देंगे क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर पाइरूविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो वो क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉलो करेगा। मगर आपको पता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशन में फॉल करता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस कंडीशन में ये ऐसे ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशन में जाएंगे और वहां पे एनारोबिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। गाइस, फर्मेंटेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट या पाइरूविक एसिड होता है और इस कंडीशन में या तो लैक्टिक एसिड्स बन सकते हैं या तो अल्कोहल्स बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये देखते हैं हम एक नेक्स्ट स्लाइड में। इसका आप लोग एक बढ़िया सा स्नैपशॉट ले लो। यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो पेफा केशॉफ स्कीम के नाम से आ सकता है कि पेफा केशॉफ स्कीम क्या है, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइस, आगे बढ़ते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ये कहाँ होगी। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस गाइस बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह में हो सकती है। फर्मेंटेशन की ये प्रोसेस गाइस बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है। सब में बेसिक जो शुरुआत होगी वो ग्लूकोज से ही होगी। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पाइरूविक एसिड। गाइस, ये पाइरूविक एसिड के बहुत सारे भविष्य हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया में देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूअर्स यीस्ट, तो जब हम इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोलेंगे तो ये इस समय अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। जैसे कि सबसे बेसिक अल्कोहल, जिसको आप लोग बियर के नाम से आपने सुना होगा, बियर जो है एक पैक्ड बॉटल के अंदर बनाई जाती है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। तो जब हम बियर की बॉटल खोलते हैं तो पफ सी आवाज आती है और बहुत सारी बियर बाहर निकल के सामने गिर जाती है। ये वैसे ही फिनोमिना होता है जैसा आप लोग पेप्सी कोक के साथ देखते हो, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनके साथ देखते हो। तो देखो, उस कंडीशन में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में तो अल्कोहल नहीं होता पर से, ये लोग ऐसा कहते हैं, मगर यहाँ पे अल्कोहल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बबल्स बनेंगे। जबकि गाइस, अगर हम देखें वाइन में, तो वाइन के अंदर
बबल्स देखने को नहीं मिलते हैं, रेड वाइन में बबल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाइन वगैरह जो बनाई जाती हैं ये गाइस कॉक की बॉटल में बनाई जाती हैं। कॉक की बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है धीरे धीरे और अंदर प्योर एल्कोहल बनता रहता है, राइट? तो वाइन इज एल्कोहल विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड बियर इज एल्कोहल विद कार्बन डाइऑक्साइड। इट डजेंट मीन कि वाइन में एल्कोहल बन नहीं रही है, वाइन में एल्कोहल बन रही है बट वो कॉक के थ्रू डिफ्यूज होती जा रही है। गाइज इस ब्रूअर्स ईस्ट की को हम बेकरी वाले जो हैं वो बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, और बेकर्स ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेड में यूज की जाती है। जब डव बनाया जाता है, जब आटा खमीर किया जाता है, तो ईस्ट को साथ में गूंद दिया जाता है, साथ में मिक्स कर दिया जाता है, और इसको जब हम पकाते हैं, गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे में पफीनेस, स्पॉन्जीनेस और पोर्स प्रोड्यूस करता है। इसी पोर की वजह से वो स्पॉन्जी नजर आता है और इस खाने में टेस्टी होता है, राइट? गाइस ये जो पर्टिकुलर एल्कोहल है, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सट्रेट से एल्कोहल बनाया जा सकता है। इन सब में प्रोसेस सेम रहेगी, ये प्रोसेस हम आगे देखते हैं। मगर गाइस कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा दही में, यस, कर्ड में आपने सुना होगा कि दूध से जब दही बनाते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, और उस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में दूध का जो जो प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं शबाश, उसको हम लोग कहते हैं केसिन प्रोटीन। ये केसिन प्रोटीन डिनेचर हो जाता है गाइस, और जब ये डिनेचर हो जाएगा तो वहां पे वो योगर्ट बना, वहां पे वो कॉटेज चीज बना देगा, जिसको आप लोग बोलते हो पनीर। कॉटेज चीज बना देगा जिसको आप बोलते हो पनीर बना देगा। वहीं अगर कुछ इसको मॉडिफाइड तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू यूज किया जाए, तो यही लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा, और उसका यूज हम चीज और योगर्ट बनाने में कर सकते हैं। गाइज याद रखो, योगर्ट जो है वो एक तरीके का दही है, मगर थोड़ा सा उसका टेस्ट डिफरेंट होता है क्योंकि उसके बनाने का प्रोसीजर, टेम्परेचर और सब्सट्रेट कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। अभी हम इस तरफ नहीं जाएंगे, मगर आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस इज यूज टू प्रोड्यूस टू थिंग्स। इट इज यूज टू प्रोड्यूस कर्ड, नंबर वन, एंड नंबर टू इट इज यूज टू प्रोड्यूस, यस, योगर्ट एंड चीज बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। गाइज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर, राइट? एस्परजिलस फैमिली के कुछ फंगस होते हैं गाइज, और इनसे भी लैक्टिक एसिड बनता है। बनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ से सोया सॉस वगैरह मिलता है। 3 बार पीएमटी एग्जामिनेशंस में इस पर्टिकुलर डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को याद रखना है एस्परजिलस से सोया सॉस बन रहा है, लैक्टोबैसिलस से चीज, योगर्ट और कर्ड बन रहा है, इथेनॉल विद कार्बन डाइऑक्साइड बियर में होती है, इथेनॉल विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वाइन में होती है, और इनको बोला जाता है ब्रूअर्स ईस्ट। उसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया को ब्रेड इंडस्ट्री में बोला जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में बोला जाता है ब्रूअर्स ईस्ट की जगह बेकर्स ईस्ट। आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। गाइस अब हमारा कोर फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। गाइस याद रखो गाइस, क्या है? फर्मेंटेशन इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ही पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, राइट? टाइम जितना है हमारे पास और जितना टाइम रेस्पिरेशन को देना है, जितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं उसके हिसाब से हमें फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, राइट? तो याद रखो फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस वेयर ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, राइट? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू इथेनॉल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। मगर याद रखो यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि जब कभी भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा एनारोबिक कंडीशंस होती हैं गाइस, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में पहले ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड बनेगा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के अंदर। तो गाइस एक बात समझो,
फर्मेंटेशन जो है वो एक मेजरली टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है और दूसरा स्टेप जो है इसमें वो अल्कोहल फॉर्मेशन का स्टेप है। देखो मैंने यही किया है, यहाँ पे मैंने ग्लाइकोलिसिस और अल्कोहल फॉर्मेशन को दो स्टेप्स में बांट दिया है। देखो एक बार ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उस समय ग्लाइकोलिसिस चलता है और जो प्रॉपर प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की वो होती है, राइट। या इस पर्टिकुलर कंडीशन में एटीपी फॉर्मेशन भी होता है, राइट। अब जब एक बार पाइरुविक एसिड बन गया और कंडीशन कैसी है, एनारोबिक कंडीशन है गाइस, तो एनारोबिक कंडीशन में सबसे पहले एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। गाइस आपको नाम याद रखना है डी कार्बोक्सिलेज का, ऐसा एंजाइम जो के किसी भी मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेज, राइट। और ये किस मॉलिक्यूल में से कर रहा है, पाइरुविक एसिड में से कर रहा है ना, तो पाइरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला एंजाइम इज कॉल्ड एज पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, है ना, ध्यान रखना ऐसे। अच्छा देखो जरा पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम रेड वाला डॉट क्या कर रहा है, ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा है एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स में, राइट, और निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बोलने वाला हूँ, इस कंडीशन में पाइरुविक एसिड में तीन कार्बन प्रेजेंट हैं, जबकि आगे जाके एल्डिहाइड के अंदर दो कार्बन प्रेजेंट हैं। क्यों, एक कार्बन कहाँ निकल गया, एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, राइट। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंजाइम जो इस रिएक्शन को कंडक्ट करता है वो है एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पहला एंजाइम था डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, दूसरा एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल करने वाला, हाइड्रोजन का यूज करने वाला एंजाइम इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो गाइज याद रखो एल्डिहाइड का रिडक्शन यहाँ होने वाला है, क्योंकि NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बना था ना, उन्होंने इसको बुला लिया है यहाँ आ जाओ, और यहाँ आके ये एल्डिहाइड से अब अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, राइट, एसिटाल्डिहाइड से अब इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ NADH, और ये एक NADH एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, तो दो NADH दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेंगे और दो अल्कोहल्स के फॉर्मेशन करेंगे। गाइज याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, तो हमेशा रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं गाइस, हमेशा रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, और जब कभी भी रिडक्शन रिएक्शंस होंगी तो हमेशा जो है एल्डिहाइड से अल्कोहल्स बनेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। गाइस आपने कुछ ध्यान दिया, इस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन होती ना तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन रुक जाती, और अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन रुक जाती तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते पाश्चर्स इफेक्ट। यस, पाश्चर्स इफेक्ट एक बार आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ डाला हुआ है, पाश्चर्स इफेक्ट वेयर ऑक्सीजन स्टॉप्स और सीजेस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज पाश्चर्स इफेक्ट। गाइस फटाफट इस स्लाइड का आप लोग एक स्क्रीनशॉट लो और हम आगे बढ़ेंगे। गाइज इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा जो फर्मेंटेशन है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। पता है आपको ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक्चुअली है क्या, जब कभी भी हम बहुत तेज रनिंग करते हैं हमारे मसल्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मगर हम हार्श ब्रीदिंग के बाद भी ऑक्सीजन का उतना अमाउंट हम नहीं ले पाते। इस कंडीशन में ऑक्सीजन डेप्थ में हम चले जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में, और इस कंडीशन में मसल्स हाइपोक्सिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं। व्हाट द वर्ड इज हाइपोक्सिक कंडीशन, राइट, हमारे मसल्स हाइपोक्सिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, और जब हाइपोक्सिक कंडीशन में पहुंच जाएंगे तो ये एनारोबिक कंडीशन में पहुंच जाएंगे, और इस एनारोबिक कंडीशन में इस बार ये लोग लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। गाइस इससे पहले अल्कोहल बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, राइट, इस बार बिना कार्बन डाइऑक्साइड निकले सीधे सीधे लैक्टिक एसिड या लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एक तरीके का गाइस थ्री कार्बन कंपाउंड है, थ्री कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड। कैसे इसने काम किया जरा देखो, अगेन ये एक टू स्टेप प्रोसेस होने वाली है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
by the process of glycolysis into pyruvate, pyruvate बना देगा या pyruvic acid बना देगा, दो molecules, right? अब यहाँ पे एक enzyme है जो कि oxygen की absence में lactic acid बनाने का काम करता है, lactate बनाने का काम करता है from pyruvate, that is called as dehydrogenase enzyme. आपने ध्यान दिया, इससे पहले alcohol fermentation में भी dehydrogenase आया था, मगर वो alcohol dehydrogenase था, product के नाम पे हमने enzyme का नाम रखा था, और इस बार भी product के नाम पे ही हमने enzyme का नाम रखा है, that is lactate dehydrogenase enzyme. बात समझ में आ रही है? तो इस बार ये lactate dehydrogenase फिर से क्या करेगा? फिर से ये glycolysis में produce हुए and nicotinamide adenine dinucleotide reduced form को proton को लेकर यहाँ add कर देगा, तो जाहिर सी बात है एक तरीके की reduction reaction होगी, right? तो dehydrogenase enzyme is always related with reduction reaction. ये रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और लैक्टेट बना के प्रोड्यूस कर देगा. ठीक गाइस, आपने एक बात ध्यान दी, इस लैक्टेट फॉर्मेशन में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां पे इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए तो पाइरूविक एसिड जो कि एक थ्री कार्बन कंपाउंड है, इससे दोबारा से लैक्टिक एसिड बन गया जो कि अगेन एक थ्री कार्बन कंपाउंड है. राइट, आपको एंजाइम का नाम याद रखना है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रोडक्ट के नाम पे यहाँ पे एंजाइम है, इससे पहले अल्कोहल में भी प्रोडक्ट के नाम पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था. एक स्क्रीनशॉट लो फटाफट. नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स, एनसीईआरटी का ये फोटोग्राफ है, यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा से रहते हैं और क्वेश्चन आए भी हैं. गाइज आपको याद रखना है कि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था लैक्टोबैसिलस, राइट, उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था इससे पहले, दैट इज लैक्टोबैसिलस. बेटा याद रखो, लैक्टोबैसिलस जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है गाइज, क्या कि जब कभी भी ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो उसकी फर्दर पूरी स्टेप्स वो बनाता है और फाइनली बन के तैयार होता है पाइरूविक एसिड. अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है NADH H+, राइट, मतलब प्रोटॉन विद इन रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूसिंग पावर बनती है यहाँ पे. ये क्या है? एक तरीके की रिड्यूसिंग पावर है गाइस, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर, राइट. तो रिड्यूसिंग पावर बनती है NADH H पॉजिटिव के फॉर्म में. ये रिड्यूसिंग पावर अब जो है दो जगह काम आ सकती है, या तो ये पाइरूविक एसिड से लैक्टिक एसिड थ्री कार्बन का लैक्टिक एसिड बना सकती है, अगेन यहाँ NADH H+ यूज होगा जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन से ही आ रहा है, राइट. इसी पर्टिकुलर NADPH जो है वो इस रिएक्शन में भी इस्तेमाल हो रहा है, और यही NADH जो है वो एल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज हो रहा है, राइट. आपको याद रखना है कि इसका सोर्स क्या है, यही इसका सोर्स है, तो NADH का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो है गाइस बन जाएगा और यहाँ पे पाइरूविक एसिड से अल्कोहल बन जाएगा. फर्क क्या है? फर्क है इस कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से इथेनॉल टू कार्बन कार्बन कंपाउंड है और लैक्टिक एसिड थ्री कार्बन कंपाउंड है. यहाँ से जो मेजर क्वेश्चन आते हैं गाइस, वो आपको आते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और कहाँ बन रहा है. तो याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है, और जब ग्लाइकोलिसिस में ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा तो एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होने वाली है. चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. गाइस प्रॉब्लम यहां आती है, बोथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एसिटिक एसिड और सॉरी अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है. यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है गाइस, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी जो है यहाँ प्रोड्यूस होती है. तो आखिरकार इतनी सारी एनर्जी जाती कहाँ है? क्या हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि कितनी ATP प्रोड्यूस हुई? हाँ बिल्कुल, हमें इसको कैलकुलेट करना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको कुछ प्रीवियस स्लाइड पे ले जाऊंगा. अगर आपने ध्यान दिया हो गाइस इन स्लाइड्स के ऊपर, तो देखो यहाँ पे ATP निकलने की जगह
सिर्फ ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो एटीपी निकले हैं, बाकी दोनों स्टेजेस में, दोनों स्टेप्स पे अल्कोहल बना मगर एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसके बाद भी NADH H प्लस जो बना था ये भी यूज हो सकता था प्रोटॉन्स में, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में यूज हो सकता था, मगर ये भी यूज नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली ये यूज हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने में। सिमिलरली अगर आप इस स्लाइड में भी देखोगे तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने में दो अल्कोहल बने और NADH बना जो कि रिड्यूसिंग पावर था, जिससे एनर्जी बन सकती थी, मगर हुआ क्या, एनर्जी बनी नहीं, वो यूटिलाइज हो गई पाइरुवेट से लैक्टेट बनाने में। तो गाइज अब सवाल ये था कि यहाँ कितनी एनर्जी बनेगी। देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में जो एनर्जी बनती है वो होती है 4 ATP के, राइट 4 ATP बनते हैं, 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाते हैं, राइट। मगर आपको याद होगा 2 ATP का यूटिलाइजेशन भी तो होता है, राइट, इनपुट भी तो देना पड़ता है, तो हमें माइनस करना पड़ेंगे यहाँ पे 2 ATP। तो कुल मिला के जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा, 2 ATP का, राइट, 2 ATP। तो टोटल ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस इज जस्ट 2 ATP। तो जरा सोचो ये क्या ये नुकसानदेह प्रोसेस है कि फायदेमंद प्रोसेस है। ये बैक्टीरिया, ये पर्टिकुलर ईस्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मसल्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी हो गई, मगर हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन और आता है गाइस, कि लोग सवाल पूछते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या ये अल्कोहल फॉर्मेशन की प्रोसेस ईस्ट के लिए हैजार्डस है। ऑफ कोर्स गाइस, ये ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस प्रोसेस है फर्मेंटेशन की। क्यों? क्योंकि उस फर्मेंटेशन में या तो आप एसिड बना रहे होगे लैक्टिक एसिड, या आप इथेनॉल बना रहे होगे, और दोनों के ही हायर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा लीथल होते हैं। इवन अगर आप अल्कोहल को देखोगे तो 13% अल्कोहल की प्रेजेंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म ईस्ट जो है वो खुद मर जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर लेगा कि उस एनवायरनमेंट में वो मर जाएगा। तभी तो आजकल हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, 70% अल्कोहल होता है। दुनिया का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर सर्वाइव कर ही नहीं सकता, अल्कोहल में वो सारे के सारे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को डिसॉल्व कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हैजार्डस कंडीशन होती है 13% में। एक क्वेश्चन आता है यार कि ठीक है मैक्सिमम परसेंटेज 13% है जो कि कोई भी ईस्ट बना सकता है, राइट, कोई भी ईस्ट जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कितना रख सकता है, 13% रख सकता है। तो कैसे इतने ज्यादा बेवरेजेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जैसे बियर के अंदर जो है वो 3% से 8% के बीच में अल्कोहल होती है, जैसे कि अगर आप बात करोगे वाइन के अंदर तो इसमें 30% के आसपास अल्कोहल प्रेजेंट होती है, राइट। अगर आप बात करोगे वोडका में, राइट, तो वोडका में 45% से 50% तक अल्कोहल हो सकता है। गाइस सोचो इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे आ सकता है। बहुत आसान बात है, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन आता है इस डायग्राम में दिख रहे जो आपने डिस्टिलेशन यूनिट देख रहे हो, इस डिस्टिलेशन यूनिट से। गाइस डिस्टिलेशन यूनिट्स डिस्टिलरीज में प्रेजेंट होती हैं, और ये डिस्टिलरीज जो हैं वो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती हैं। दे आर सर्टन केमिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पे ये कुछ डिस्टिलेशन करते हैं और अल्कोहल का अमाउंट बढ़ा देते हैं। पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, जैसे ये लोग बैचेस लगाते हैं, फर्मेंटर्स के बैचेस लगाते हैं, उन बैचेस के अंदर ये लोग जैसे ही 13% के आसपास अल्कोहल का फर्मेंटेशन पहुंच रहा होता है, ये वैसे ही पुराने मीडिया को निकाल देते हैं, फ्रेश मीडिया डाल देते हैं, तो ईस्ट मरते नहीं है और प्रॉपर एनवायरनमेंट बना रहता है। उसके बाद ये लोग उसको फिल्टर करते हैं, ईस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को अलग कर देते हैं, बचता है सिर्फ लिक्विड पार्ट, दैट इज बेवरेज पार्ट, और उस बेवरेज पार्ट को फिर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है, राइट। देखो ये आपको जो नजर आ रहा है गाइज, ये कंडेंसर्स नजर आ रहे हैं, और इन्हीं कंडेंसर्स में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है अल्कोहल का, राइट। याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है कि नेचुरल कंडीशन में 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं हो सकता, तो फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये सब कैसे किया जाता है,
ये सब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलरीज एंड डिस्टिलेटर्स। गाइस स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। सो गाइस आपको अगर ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो पाए, राइट। और हाँ, बेल आइकन पुश करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास के फॉर्म में बता पाऊं। बाय फॉर नाउ, बाय।